सहारनपुर महानगर में क्षमता से अधिक ओवरलोड हो रहे अंबाला रोड बिजलीघर के क्षेत्र में तीन जिलों की विजिलेंस के साथ विद्युत निगम के अधिकारियों ने छापा मारा। इसके तहत 125 मकानों में लगे विद्युत मीटरों की चेकिंग की गई, जिनमें से 55 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पाए गए। इनके खिलाफ कोतवाली मंडी और थाना कुतुबशाह में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अंबाला रोड बिजली घर क्षेत्र से मोहल्ला धोलेखाल, दाऊद सराय, मेहंदी सराय, बरेलियों का मदरसा क्षेत्र में घर घर चेकिंग कर कार्रवाई की गई। विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली की विजिलेंस टीम शामिल रही। कार्रवाई से इन इलाकों में हड़कंप मच गया। टीम ने 125 मकानों में चेकिंग की। इनमें से 55 जगह पर टीम ने विद्युत लाइन में कट लगाकर और पोल पर केबल डालकर चोरी करते हुए पकड़ लिया। इनके खिलाफ विद्युत निगम के अधिकारियों और अवर अभियंताओं की ओर से कोतवाली मंडी व थाना कुतुबशाह में मामला दर्ज कराया गया है। इसमें दरअसल जो हमारे मंडल के अंतर्गत जो हाई लॉस फीडर हैं, जिसमें रेवेन्यू लॉस ज़्यादा हो रहा है और चोरी ज़्यादा है, और जिसमें हमारे ट्रांसफार्मर पे भी ओवरलोड हो रहा है, और ट्रांसफार्मर पे भी जो लाखों के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उस पर ओवरलोडिंग वैसे क्षतिग्रस्त भी होने के उसके चांसेस रहते हैं। तो वो चोरी रोकने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है, जो कि इसमें मुख्यालय से निर्देश दिए गए हैं डिस्कॉम स्तर से कि जहाँ भी हाई लॉस फीडर है उस पर आप जो है अभियान चलाइए। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने कल मेहंदी सराय, ढोली खाल, दाऊद सराय, बरेलियों का मदरसा, पीर वाली गली पे अभियान चलाया था, जिसमें करीब 126 के आसपास हम लोगों ने चेकिंग करी थी, वो 55 FIR हुई हैं। और आज जो है जैनबाग में हम लोगों ने उसमें निसार रोड और खाताकीड़ी में चलाया, जिसमें 19 FIR हुई हैं और 2 अनियमितता पाई गई है। तो ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। तो मेरा बस यही है कि लोग जो है विद्युत चोरी एक अपराध की श्रेणी में आता है, इसको ना करें, क्योंकि इससे उनका नुकसान ही होता है। राजस्व निर्धारण किया जाता है, कंपाउंडिंग देना होता है और डिस्कनेक्शन होता है। तो इस अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए मेरा ये अपील है कि लोग जो है विद्युत चोरी ना करें। और बहुत से कनेक्शन ऐसे हैं जिनके रेगुलर कनेक्शन है, वो अतिरिक्त तार डाल के या मीटर बाईपास करके चोरी कर रहे हैं। तो उनसे तो विशेष निवेदन है कि जब आपके ऑलरेडी संयोजन है तो आप क्यों नहीं अपने बिजली का मीटर के थ्रू बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह की चोरी को रोकने के लिए आगे भी अभियान चलाते रहेंगे, और जो हाई लॉस फीडर हैं उनके लॉसेस को हमें कम करना है, और ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। सहारनपुर के वार्ड 62 मोहल्ला खजूरतला में कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर क्षेत्रवासियों बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासी मुजाहिद नदीम ने बताया कि बीती रात 9 वर्षीय बालक मोहम्मद अलमास को कुत्तों ने काटकर घायल किया, जिसको सरकारी अस्पताल में ले जाकर इंजेक्शन लगाया गया। वार्ड में 15 दिन में दूसरी घटना है। पार्षद को कई बार अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पर कुत्तों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जिसको लेकर यहाँ पर आने जाने वाले बच्चों को, बड़ों को और जितने भी जगह आने वाली महिलाएं हैं, सबको परेशानी होती है। और बीती रात मेरे बेटे को कुत्ते ने जो है जख्मी किया, और जिसके हम फौरनी सिविल हॉस्पिटल लेकर उसका उपचार कराया गया। इसकी जानकारी आपने क्षेत्र पार्षद को कराई आपने? जी जी, हमारे कलेक्टर पार्षद हैं राम मंदिर साहब, उसकी जानकारी इनको भी कई बार दी है। इनको भी कहा कि बहुत ध्यान दें कि कुत्तों का जो जनसंख्या बढ़ रही है, इनको निगम में लिख कर दें, कोई गाड़ी आए इनको उठाकर ले जाए, या कोई उनको कार्रवाई के ऊपर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई की जाए। अब तक कितने लोग शिकार हुए कुत्तों के? देखिए 15 दिन में दूसरा घटना हो चुकी है।